यस हम लोग को गिफ्ट मिल गया है, ये हेरा मुझसे कह रहा है कि मम्मा गिफ्ट तो जल्दी खोलो, कि मम्मा गिफ्ट तो हैप्पी बर्थडे में आता है ना, तो फिर दिवाली में ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट तो कौन खोलेगा बोलो। थैंक यू बोलो नले अंकल को। अच्छा जिन अंकल ने दिया उनको अरे तुम वीडियो में थैंक यू बोल दो, तो थैंक यू अंकल। अरे आप छोटे हो, थोड़े बिग हो गए हो, चलो ठीक है देखते कितना बिग हो गए हो। फंस जाएगा यहाँ पे, फंस जाएगा बेटा, फंस जाएगा। रुको छोड़ो, अभी तो कहा ना मम्मा ने। अरे रुक, तुम्हारी गलती है कह रहा मम्मा तुम्हारी गलती है ऊपर। अरे रुक, वहां से खींचेगा कैसे होगा, दादा सारी चीजें, रोस्टेड बादाम, रोस्टेड काजू और रोस्टेड पिस्ता। यस ओके, पुतू नहीं है आपको इसमें, तो इस वाले बॉक्स में हमारा आया है खूब सारा ड्राई फ्रूट्स। हेरम को क्या पसंद है, पिस्ता, हेरम पिस्ता बहुत प्यार से खाता है, और ये रोस्टेड काजू है तो आप ये भी खा लेना, और रोस्टेड बादाम, ठीक है। ये नहीं खाएगी, ये खाओगे काजू खाओगे है ना, ये हमारा एक मैंने कहा था ना ड्राई फ्रूट्स तो बहुत सारे आ जाते हैं, और दिवाली के लोग वैसे भी ड्राई फ्रूट्स या फिर मिठाई देना, ड्राई फ्रूट्स खराब होने की चीज नहीं इसलिए मिल जाती है, अच्छा है। बेटा दिवाली पे यही आता है, दिवाली पे टॉय आते हैं आपके हैप्पी बर्थडे पे। तो ये इतना बड़ा सा डब्बा था, बहुत होगी वीडियो शूट। अरे यार थोड़ा मुझे काम ही नहीं करने देता है ये, देखो पापा पैकेट है उसी में चिपके हुए है ना, ताकि हिले ना। तो बस ये तो हो गया ड्राई फ्रूट्स का, अब मेरे को छोड़ो ना। अरे मम्मा ना जाओ, अरे मैं नहीं बैठ रहा तुम्हारे पास, तुम बदमाशी करते हो। देखो अरे बाबा मैं आके यहाँ लेट गई पता है, इतना बस आजकल यही हो रहा है, कहीं जरा देर के लिए निकल जाओ समझो हालत खराब हो जा रही है। और मेरे पति तो मैं आपको दिखाऊं, वो अलमारी देख रहे हैं ना, बस उसके ऊपर ही सामान लगाना शुरू कर दिया। हम फ़ोन लेके आए थे पता है, मैं फ़ोन के साथ भी हमें गिफ्ट मिला था, मतलब बाउल सेट दिया है उन्होंने, चार बाउल हैं छोटे छोटे से, मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, उसमें भी दिया है। और क्या आया है, हाँ इनके लिए घड़ी आई है, वो भी दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, ठीक है। और ये 2 घंटे से लगे हुए हैं मेरा फ़ोन वो करने के लिए, और एक्चुअली जो मेरा मेन व्हाट्सएप चलता है, यानी कि जो मेरा बिजनेस व्हाट्सएप है जिस पर मेरा बाकी चीज़ें होती हैं, वो व्हाट्सएप का जो बैकअप जाता है, जिस आईडी पे जाता है, वो आईडी मेरी 2007 की बनी हुई है। अब आप समझ सकते हो 2007 में अगर मैंने कोई आईडी बनाई होगी तो अब तक तो उसका भर चुका था, तो उसी पे इत्तेफाक ऐसा हो गया ना, मेरे बैंक अकाउंट वो भी उसी पे लिंक अप तब का है, बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे उसी पे लिंक अप हो गई, तो वो आईडी मेरी भर चुकी थी जीमेल आईडी। अब नया स्टोरेज ख़रीदना पड़ता है आपको पता है, तो मैं छोड़ दी थी, मैं कहा चलो ठीक है। अभी जो मैंने नया बैंक अकाउंट खुलवाया तो उसमें मैंने दूसरी आईडी डाल दी, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बट मेरा जो मेन बैंक अकाउंट है उसमें पड़ी हुई है, तो उसको मुझे चेंज कराना है, कभी जाएंगे टाइम मिलेगा तो मैं चेंज करा दूंगी। तो इसी चक्कर में उसका बैकअप नहीं हो रहा था, 1 घंटे से ही लगे पड़े मेरे फ़ोन में कि बैकअप हो जाए, तो ये मेरा दूसरा वाला फ़ोन चला दें। और मैं से क्योंकि मैंने वाला एक व्लॉग जो है उस पर बना दिया है, अब व्लॉग बना दिया है, कब व्लॉग बना दिया है, अब व्लॉग बनाने के बाद दिक्कत यही है उसको एडिट करके, फिर मुझे अपनी एक आईडी खोलनी पड़ेगी यूट्यूब वाली, तो उस तभी मैं डाल सकती हूँ, अदरवाइज मैं डाल नहीं सकती हूँ। इस वजह से मैं इनसे लगी, मैंने कहा मेरी आईडी खोल दो मुझे, तो मैं खोल लूँगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
आईडी खोल दो, बाकी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस वाले फ़ोन से ही मैं ब्लॉग अपना शूट कर लेती हूँ। गन्नू आगे बैठे हैं, दादू के साथ मैं खेल कूद रहे हैं, और एक सवाल बताए मेरे पास काफ़ी टाइम से आता है, और प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं उस सवाल का जवाब ना बहुत सारे ब्लॉग्स में दे चुकी हूँ, बहुत बार मैं वीडियोस के थ्रू बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे जो सवाल मुझसे पूछ लेते हैं, कुछ लोग अच्छी तरीके से पूछते हैं, कुछ लोग नहीं अच्छी तरीके से पूछते हैं, डजेंट मैटर कुछ, क्योंकि मैं किसी के लिए कुछ कहती नहीं हूँ। तो ये सवाल मेरे से बहुत बार पूछा जा रहा था, बहुत बार लोग पूछते रहते हैं, और मैं ब्लॉग में बता चुकी हूँ, बट प्रॉब्लम यही आ रही है कि सबने सारे उस नाम से, जब टाइटल से आप ब्लॉग बना दो तो सबसे बेस्ट रहता है कि ताकि आप ये टाइटल है आप इसको देख लो और आपको समझ में आ जाए। सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है कि आपका बेटा स्कूल नहीं जाता क्या, वो स्कूल क्यों नहीं जाता। और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि मैं बहुत 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 बार दे चुकी हूँ, आज मैं फिर से जवाब देती हूँ इस चीज़ का। सबको ये चीज़ पता है कि मेरे बेटे को प्रॉब्लम है, जो मुझे 5-6 सालों से देख रहा है उसको सबको पता है। मैंने कभी भी उसकी बीमारी को ना ही कभी कंटेंट बनाया, ना ही कभी उसकी बीमारी को एक मजबूरी दिखाई या दिखाया सिंपैथी लेने के लिए, मैंने कभी कुछ नहीं दिखाया। आप लोगों को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, मैं हमेशा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आप कह सकते हो, हम दोनों ही अपनी लाइफ में लगे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक रहे, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक रहे। और नर्सरी वो पूरा स्कूल गया है, केजी पूरा स्कूल गया है। अभी प्रॉब्लम क्या आई थी, केजी में जब वो था, आपको भी पता है मेरे पापा की तब से पिछले साल अप्रैल से तबीयत बहुत ख़राब थी, ठीक है। तो उसका स्कूल जो है वो डामाडोल थोड़ा थोड़ा होता था। अब मैं हॉस्पिटल में रहती थी, ये भी हॉस्पिटल में रहते थे, अकेले तो मैं बच्चे को स्कूल भेज नहीं सकती थी, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें रही, अब उसके बाद पापा की तबीयत ख़राब रहती गई, और धीरे धीरे हेरम, देखो नर्सरी में वो बहुत अच्छे से गया, तब वो था 3.5 साल का, और उसको फीड्स आना शुरू हुआ है 2.5 साल पे। हर बच्चे का एक अलग हिस्ट्री होती है, हर बच्चे की अलग मेडिकल कंडीशन होती है। मैं यहाँ पे बोलती हूँ, आप कोई भी अपने बच्चे से मेरे बच्चे को प्लीज़ कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि सबका बच्चा अलग तरीके से होता है, क्योंकि मेरा बच्चा कैसा है ये हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं, और शायद हम दोनों जितना उस पर ख्याल रख रहे हैं जब से वो पैदा हुआ है, जब से वो इस दुनिया में आया है, हम दोनों जिस हिसाब से रख रहे हैं ना, उस हिसाब से हम अपना बेस्ट कर रहे हैं कि हम दोनों ही पूरा टाइम देते हैं। साथ में आपको पता है उसके दादू वो भी रहते हैं, वो भी पूरा अपना टाइम देते हैं, तो हम तीनों अपना बच्चे का सब कुछ करते हैं। बट भगवान पता नहीं कहाँ से अब उसको वो दिक्कत आ गई है, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी पिछले साल क्या हुआ था, उसको साल में 3 बार अटैक आया था, उसको बहुत ज़्यादा आया था। पिछले साल उसको मई में आया, उसके पहले थोड़ा सा फरवरी में आया था, उसके बाद उसको फिर 7 अक्टूबर। अब पिछले बार वाला जो अटैक था वो उसका बहुत ज़्यादा था, जो उसको पिछली बार का सीजर अटैक आया था उसमें हम उसे 3 बजे अस्पताल लेके गए थे, और वो एक नॉर्मल कंडीशन में उसको आते आते रात का 8 बज गया था। अब आप समझ सकते हो, 3 बजे से बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, 8 बजे जाके सही हुआ है, तो उस बच्चे की कंडीशन क्या रही होगी। उसके बाद से क्या हुआ है कि धीरे धीरे उसकी जो डॉक्टर ने अभी एक और दवा उसके साथ में ऐड करी है कि ताकि उसको दौरा ना पड़े, अब दवाइयाँ उसकी लगातार चल रही हैं। दवाइयों क्या हुआ उधर है, दवाइयों की वजह से अब क्या हो रहा है ना भाई, देखो आप अगर दिमाग की दवाइयाँ दोगे तो कुछ ना कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे ही। और स्टार्टिंग में हेरम को जब हमने 17 दिन तक, वो 16-15 दिन तो प्रॉपर वो जब उस पर रहा था, वेंटिलेटर पे रहा था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके कहीं बहुत स्लाइट सा कहीं दिमाग में ऐसा है कि उसके ऑक्सीजन नहीं पहुंची थी, वो हल्का सा क्लॉट है उसके दिमाग में, माइंड ब्रेन में, जो सही नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से अभी उसके जो सिम्टम्स यही हैं कि वो आँखों में हल्का सा उसके स्क्विंट था, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। धीरे धीरे वो 3 साल पे बोला है, 3.25 साल पे बोला है, जितना बोला है मतलब 3.25 साल पे बोला है, वो 1.5 साल पे चला है, हर एक चीज़ उसका 6 महीने लेट हो रहा था, सारी चीज़ें उसकी धीरे धीरे लेट हुई थी, बहुत सारी उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें उसकी लाइफ में आई थी। और अभी कोई आया है क्या? नहीं अभी आया। अच्छा, और अभी क्या है कि मैंने आपको बताया ना, लास्ट वाला जो उसका था ना, वो बहुत ज़्यादा बुरा था, उसके बाद से हम भी बहुत डर गए थे। और जो दवाई डॉक्टर ने चेंज करी वो थोड़ी सी हाइपर है, कि उसका दिमाग थोड़ा सा हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा हो गया है। और फिर हमने उसे स्कूल भेजा, बट प्रॉब्लम स्कूल में ये आ रही है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा हाइपर रहता है, बैठता नहीं है ज़्यादा देर के लिए। डॉक्टर ने कहा है धीरे धीरे सही होगा। हमारे लखनऊ के अगर आप सर्च करोगे तो मज़हर हुसैन बेस्ट डॉक्टर है,
हम उनसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन ये चीज़ है कि उसका सीजर अटैक रुकना चाहिए, क्योंकि अगर ये अटैक नहीं रुके या सीजर आना बंद नहीं हुआ तो उसकी ग्रोथ में, उसके बहुत चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। तो मेन चीज़ यही है ना कि बीमारी उसके बहुत, मतलब दिक्कत है, बट उसका मेन जो फोकस है वो सीजर ना आए, वो फोकस है। फिर स्कूल में क्या हो रहा है, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो रात में कभी उठ गया, ठीक है, तो फिर वो 2 घंटे नहीं सोता, और जिस दिन वो रात में 2 घंटे नहीं सोता है तो वो सुबह, उसको डॉक्टर ने खुद बोला है कि उसकी एक प्रॉपर नींद होना बहुत ज़रूरी है, अगर उसकी नींद में कोई दिक्कत आएगी तो उसको अटैक आ सकता है। अटैक आने के बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं बता ही नहीं सकती, हर बार कुछ नई वजह से आता है, कभी कभी आराम से सो रहा होता है आ जाता है, कभी खेल रहा होता है आ जाता है, कभी सर पे हल्का सा कुछ लग जाता है, सर दर्द हो जाता है तो आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ में, ठीक है। तो अटैक्स आने का मैंने आपको बता दिया, ये रीजंस रहते हैं। और अब स्कूल का ये था कि 2-3 बार ऐसा हुआ कि अगर सुबह की उसकी नींद पूरी नहीं हुई तो स्कूल में काफ़ी सारा उसने शैतानी करा, और फिर वहीं पे उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ, और वहीं हमको डॉक्टर स्कूल से 3-4 बार ऐसा हुआ कि मिड सेशन में, मिड जो क्लास चलती थी उसमें हमें बुलाया जाता था कि गन्नू सो गया है, गन्नू शैतानी कर रहा है, या गन्नू थोड़ा हाइपर हो गया है। तो यार हमने खुद चूज़ किया कि उसको हम इस साल रेस्ट देंगे। पहले तो क्या हुआ, हमने अप्रैल मार्च में उसको 1-2 दिन भेजा, पापा चले गए थे आपको पता है, उसके साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ें भी होती रही, पापा चले गए, फिर ये हुआ कि चलो ठीक है अप्रैल सेशन में हम उसको करा देंगे फिर से, मतलब था ही एडमिशन, पूरी फीस मैंने दी है पिछले साल, पूरी फीस हमने दी है उसको, एक भी फीस ऐसी नहीं जो हमने ना दी हो, पूरी फीस हमने पिछले सेशन की पूरी फीस दी है। और फिर पापा चले गए अप्रैल, फिर ये थोड़ा सा हाइपर ही बैठता नहीं है, एक जगह आता, रीडिंग इसकी बहुत अच्छी है, लिखने में बहुत दिक्कत करता है, बैठता नहीं है एक जगह, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये सारी चीज़ें दिक्कत है। अब आप बोलोगे कि हर बच्चे को, देखो डांटना और ये करना हर बच्चे का नहीं होता, हर बच्चे का एक अलग अलग होता है, बहुत सारे लोग हैं कि हमारा बच्चा ऐसा करता, आपका बच्चा और मेरे बच्चे में बहुत अंतर है, और मैं उसको इतने साल से देख रही हूँ, हमने अपना जीवन उसी में लगा दिया, जितने मेरे 6 साल है ना हमारे, 7 साल जब वो पेट में था तब से हमारी लाइफ में उसके अलावा कुछ है नहीं, और जो इतना टाइम हमने दिया है ना, उतना टाइम मुझे नहीं लगता कि कोई पिता अपने बच्चे को दे पाता है या माँ अपने बच्चे को दे पाती है। मेरे घर में इसीलिए पूरे हाउस हेल्पर लगे, क्योंकि हम लोग दिन भर अपना उसी के साथ मस्त रहते हैं, है ना, अगर मैं दिन भर घर के काम करूँगी बाकी चीज़ें करूँगी तो बच्चा मेरा इधर से उधर रहता है, मैं अपने आराम से दिन भर उसी के साथ मस्त रहती हूँ। फिर मम्मी, फिर हमारा ये हुआ कि चलो जुलाई में कर फिर डाल के भेज के देखते हैं, जुलाई में मम्मी चली गई, और फिर इधर थोड़ा सा इसको बस टेंशन इस बात की थी कि सीज़र ना आ जाए, सीज़र ना आ जाए, तो थोड़ा सा मेरे मन के अंदर डर था, तो मैंने कहा छोड़ दो कोई बात नहीं है। अभी एक पास में एक नया स्कूल खुला है, हम लोगों ने बहुत सोचा था कि चलो मिड सेक्शन है डाल देंगे उसको, कम बच्चे हैं चल जाएगा, थोड़ा सा अपना बैठेगा तो उसका टाइम पास हो जाएगा, तो इन्होंने कहा दिवाली बीत जाए फिर हम डालते हैं, तो मे बी यहाँ बचपन खुला है तो मे बी शायद अभी 2-3 तारीख में हम जाएंगे उसको कर देंगे। तो उसका मेन स्कूल ना जाने का रीज़न मैंने बहुत अच्छे से, एक ने लिखा कि बहाना बनाती है बच्चे को स्कूल ना भेजने का, सच में शर्म आनी चाहिए, हमारे पास सारी सुविधा है, मैं अगर चाहूँ तो सुबह 6 बजे हाउस हेल्पर को बुला सकती हूँ, जो आराम से अगर मुझे नाश्ता ना बनाना पड़े ना, वो नाश्ता बना के देगी, वो सब कुछ करके देगी, और वो 2 साल स्कूल गया है, ठीक है। तो ये बहाना बनाती है, हमेशा एक औरत दूसरी औरत को नीचा दिखाना होता है उसको, काम और कोई रीज़न नहीं होता औरतों को नीचा दिखाने का, सिर्फ काम के लिए, मैं इतना काम कर लेती हूँ तुम इतना काम नहीं कर पाती हो, मैं इतना ऐसे करती हूँ तो मैंने बच्चा ऐसे पाला तुमने बच्चा ऐसे नहीं पाला। और सच्ची बताओ ये तो बाहर की बात है, घर में भी हमारे यहाँ तो एक बैठे हैं ना, इंसान बैठी हैं, तो मैं समझ सकती हूँ आप लोग की सोच तो बहुत सही है, बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरों की तो मैंने गिरी से गिरी देखी है कि अपने बच्चे तो भैया पूछो नहीं क्या लगते हैं, दूसरे के बच्चों में सिर्फ और सिर्फ कमियाँ नज़र आती हैं और कुछ नहीं है, दूसरे की ना ही कभी कोई परेशानी है ये समझता है। तो आज मैंने शायद ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। अब बार बार एक ही सवाल, आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता आपका, हाँ भाई नहीं जा रहा इस साल है, नहीं जा रहा, और अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं आप स्पीच थेरेपी क्यों नहीं कराती, स्पीच थेरेपी अभी आप समझो नॉर्मल चीज़ नहीं है कि मैं स्पीच थेरेपी उसकी कराऊँ, ठीक है ना, और डॉक्टर से हर एक चीज़ हम पूछ के करते हैं, डॉक्टर ने खुद बोला है नहीं अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप सही हो जाएगा, जैसे ही ये सीज़र उसको 1 या 2 साल नहीं आएगा वो अपने आप सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो यार बस यही है कि हम भाई, मेरे को मेरा बच्चा आईएएस पीसीएस नहीं बनेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
कसम से मैं बता रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा बच्चा नॉर्मल एक मीडियोकर पढ़ाई करके निकलेगा ना 50% लेके, मैं उसमें भी बहुत खुश रहूँगी क्योंकि मेरा बच्चा सही सलामत मेरे पास रहेगा। मुझे उसे किसी रेस में नहीं लगाना, भगवान की दुआ से हम इतना बिजनेस करके उसको दे दे, वो अपना कर ले, 50% ला के पास हो जाए, मुझे कोई, मेरा बच्चा मेरे साथ रहे, अच्छे से रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बस आज मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी और आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर ये कमेंट बार बार घूम घूम के आते हैं, क्योंकि बस क्या करना है, सामने वाले को कैसे भी करके नीचा दिखाना है। ये जो सोच होती है ना, यही सबसे गंदी। अगर हम हमेशा अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखें तो शायद हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ जाए, लेकिन दिक्कत ये है कि लोग रख के देखते नहीं है ना कि सामने वाले की क्या मजबूरी हो सकती है। बस बच्चे, अरे यार क्यों नहीं भेजेगा कोई इंसान स्कूल, और स्कूल भेजने में तो बहुत आराम रहती है, आराम से बच्चा जाता है। छोटू 5 घंटे छुट्टी होती थी कि नहीं होती थी? 5 घंटे आराम से हम लोग पढ़े रहते थे। लेकिन आप बच्चे स्कूल भेजते हो, आप टेंशन फ्री रहते हो ना। मैं उसको अपनी नज़रों से दूर करती हूँ तो मेरे को टेंशन होती है, अगर इसके सर में दर्द हो जाए तो, और मैं पता ना चले उनको कि सीजर अटैक आया है तो आप क्या करोगे। आप नहीं समझ सकते यार, ज़िंदगी कुछ के लिए बहुत आसान होती है, छोटी छोटी चीज़ें कुछ के लिए आसान नहीं होती है यार, कुछ के लिए मुश्किल होती है। तो बस आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। करा कुछ आपने मेरा काम? मैंने फोन में भरे 12 GB मेरे फोन में। दादा चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, इनका काम खत्म करो।